आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, वो बहुत ही उलझे और सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए ना, हम चले जाएंगे। उसके पापा ने कहा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। कुछ साल बीत गए, अब पूनम के पापा नहीं रहे। दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम की शादी हुई थी वो भी धोखा देके भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब ये खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मनी मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था डर डर की ठोकरें खाने के लिए। मेरे पति के छोड़े जाने के बाद भी मुझे नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। तब उसके ताऊ जी ने उनसे कहा, पर उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम हो आओ। जाने वाला शख्स चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले हाँ और ना किया और फिर सोचा, चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम अब अपने पापा के घर आई तो सब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई भी दुख नहीं था, बस वो अपने ताऊ जी कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई और सब रो रहे थे। पूनम दूर खड़ी थी, जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था, हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम डर डर की ठोकरें खा रही थी, मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब तुम कितना रोती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी, तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है ना जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, उसे फेंक कर मैं तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता था ताकि तुम भूखी न रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें एक बार बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा था और रोता था, पर तुम्हें हंसाता था ताकि तुम न रो वरना मैं रो पड़ूंगा। तुम्हारा वो रातों को देर देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को में जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को मैंने कभी भी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी करके घर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारा पापा हूँ मैं, मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता किया, उसने न जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि मैं तुम्हें डोली में बैठाऊँगा, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊंगा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग बोल पड़ेंगे, वो देखो शर्मा जी जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला, पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि मैं तुमसे कुछ बातें कह सकूं। मेरी प्यारी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने तुम्हारी शादी के लिए जो गहने खरीदे थे वो सब कुछ रखे हैं, 3-4 घर और ज़मीन, सब कुछ मैंने तुम्हारे बेटे और बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसा है जो बैंक में है, उसे जाके निकाल लेना। और आखिर में बस मैं इतना कहूँगा, मेरी गुड़िया काश तुमने मुझे समझा होता, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वो पापा जिससे तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, और तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए मैंने शादी नहीं की और खुद की ख्वाहिशों को मार दिया। अंत में बस मैं इतना कहूँगा, मेरी प्यारी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी तुम्हारा बाप उस दिन पहली बार टूटा था, तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त से उस दिन से हर दिन रोया, इसलिए नहीं कि समाज जात पात रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि जो मेरी प्यारी नन्ही सी गुड़िया
सुसु तक करने के लिए मुझे सारी रात उठाती थी, पर उसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया एक बार भी मुझे बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो, और औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें कभी भी ये दर्द देखना ना पड़े।